गुजरात में जो उत्तर भारतीयों पे हमले हुए वो भाजपा की एक सोची समझी साजिश थी। खुद चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी इसमें इन्वॉल्व है, इस साजिश में। जब ये घटना घटी, एक 14 महीने की बेटी के ऊपर बलात्कार हुआ, गुनाह करने वाला जो है उसका ना मजहब होता है, ना प्रांत होता है, ना जाति होती है। एक घटना घटती है, उसी वक्त मुख्यमंत्री कहते हैं कि 20% से ज्यादा किसी भी फैक्ट्री में नॉन गुजराती होगा, इसे मैं नहीं चलाऊंगा। आज तक 165 FIR हुई, 165 FIR उत्तर भारतीयों पे हमले की गुजरात में, 165 FIR। विजय रूपाणी कहते हैं कि गुजरात में कुछ हुआ नहीं, छुटपुट हो गया, बंद हो गया, सब शांत हो गया। और सच्चाई ये है, रेलवे डिपार्टमेंट से ऑफिशियल फिगर्स निकलवाए तो 137% रेलवे में ट्रैफिक गुजरात से उत्तर भारत की ओर बढ़ा, 137%। और DRM से बात की, मिस्टर दिनेश कुमार, डिविजनल रेलवे मैनेजर अहमदाबाद, वो खुद कहते हैं कि 137.73% ट्रैफिक बढ़ने की वजह यहां हाल में उत्तर भारतीयों पे हुए हमले और उस दहशत की वजह से जो पलायन हो रहा है, वो लोगों का पलायन, ये इसकी वजह है। ये ऑफिशियल DRM कहते हैं, जो हिम्मतनगर के BJP के सीनियर विधायक है। हिम्मतनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के हजारों लोगों को इकट्ठा करते हैं, कहता है। अब ये आप नोट कीजिए, सरकार ने हाल में ही, अभी ही विजय भाई ने मुझे बताया, स्थानीय लोगों को रोजगारी नहीं, नहीं चलेगा, कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा, युवाओं के साथ एजिटेशन भी करना पड़ा करूंगा, इनके साथ टीम लेके बैठूंगा और इनको नहीं चलने दूंगा। और ये सारी चीज की शुरुआत जब मुख्यमंत्री कहता है कि कोई भी नॉन गुजराती 20% से ज्यादा फैक्ट्री में होगा, मैं नहीं चलने दूंगा, उसके बाद फैक्ट्री वालों ने वहां से लोगों को भगाना शुरू किया कि आप जाइए, अब तो चीफ मिनिस्टर की धमकी आ गई है।